मेरा फोल्डर खो गया, मेरे सारे डिग्री और सर्टिफिकेट्स उसमें थे, अब मैं क्या करूं? आपका वीजा प्रोसेस नहीं हो सकता सर, आपके एकेडमिक अवार्ड वेरीफाइड नहीं है। हम सभी को अक्सर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर अब ऐसी सभी समस्याओं का समाधान है NAD, यानी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक क्षेत्र है। यहाँ 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 365 राज्य विश्वविद्यालयों, 123 डीम्ड विश्वविद्यालयों और 269 निजी विश्वविद्यालयों से हर साल लगभग 1.5 करोड़ छात्र शैक्षणिक मानपत्र हासिल करते हैं। इसी तरह CBSE, राज्य बोर्ड और ICSE द्वारा लगभग 3.5 करोड़ छात्रों को शैक्षणिक मानपत्र वितरित किए जाते हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा NAD के जरिए सभी शैक्षणिक मानपत्रों को डिजिटाइज करने का फैसला किया गया है। NAD वो प्रणाली है जिसके द्वारा हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन द्वारा छात्रों को दी जाने वाली डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को सीधा NAD में अपलोड कर दिया जाएगा। इस ऑनलाइन डिजिटल डिपॉजिटरी को कभी भी कहीं से भी कनेक्ट करके अपनी डिग्रियों को देखा जा सकता है या उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। भारत सरकार के इस उपक्रम में दो इंटर ऑपरेबल डिजिटल डिपॉजिटरीज CVL और NDML कार्यरत हैं, जो इन मानपत्रों को डिपॉजिट करने, सहेजने और सुरक्षित करने का कार्य करेंगे। इस सुविधा के कार्यरत होते ही देश के सभी शैक्षणिक संस्थान इससे जुड़ जाएंगे, जिसमें सभी छात्रों के शैक्षणिक मानपत्रों को अपलोड किया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस पहल से करोड़ों छात्र, उनके अभिभावक, शैक्षणिक संस्थान, भारतीय एवं विदेशी एम्प्लॉयर्स व संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट संस्थान आदि लाभान्वित होंगे। देश के शैक्षणिक संस्थान अपने छात्रों के सभी मानपत्रों और अंक पत्रों को इन डिपॉजिटरीज में अपलोड करेंगे। वहीं छात्र दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी समय सिर्फ आधार के जरिए या NAD पहचान के जरिए अपने मानपत्रों को कहीं से भी देख सकेंगे, उन्हें डाउनलोड कर सकेंगे या एम्प्लॉयर्स को इन्हें जांचने की इजाजत देकर वेरिफिकेशन की लंबी प्रक्रिया से बच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.nad.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। भारत सरकार की इस शानदार पहलकदमी से शैक्षणिक मानपत्र खोने, चोरी होने या खराब होने की संभावना खत्म हो जाती है। इन्हें कहीं से भी और कभी भी देखा जा सकता है, इनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है, निजता सुरक्षित रहती है। आए दिन लोगों को समस्या होती है, खासकर छात्रों को, कि नौकरी के समय अपनी डिग्री दिखानी है तो फ्रेम में लगाई है, अब उसकी जेरोक्स करके ऑथेंटिकेट करके देना है, या विदेश में जाना है तो उसके लिए ट्रांसक्रिप्ट लाने के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है और समय बीतता है। अब इन सभी मुसीबतों से दिक्कत दूर होगी। मोदी सरकार ने एक बड़ी पहल की है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। बिना दिक्कत आपको एक क्लिक के आधार पर छात्र को वो अपने ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ी पहल है। मैं इतना ही कहूंगा छात्रों को कि 3 इडियट में रणछोड़दास चांचड़ का जो जैसे मामला हुआ, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटाइजेशन।